नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं डिजिटल गुरुजी। दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ कि डिजिटाइज इंडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू आप कैसे पैसा कमा सकते हो। भले ही आप थोड़ा बहुत पैसा कमा सकते हो उसके जरिए, लेकिन कैसे कमा सकते हो, ठीक है? तो सबसे पहले आपको गूगल पे सर्च करना होगा डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म, या फिर डिजिटाइज इंडिया प्लेटफॉर्म आप सर्च कीजिए। तो सबसे पहला जो वेबसाइट आता है, आप इसे ओपन कर लेंगे, ठीक है? तो आप इसका टर्म्स एंड कंडीशंस, आप सारा चीज़ देख सकते हो कि ये एक्चुअली है क्या, ये क्या करवाता है, ये आपको पैसा वाला क्यों देगा, आपसे क्या काम करवाएगा ताकि ये आपको पैसे दे। पैसा कुछ तो ज़रूर करवाएगा ताकि आपको पैसे दे। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये एक्चुअली है क्या। एक्चुअली दोस्तों, आपने देखा होगा कि हमारे जो इंडिया में जो सभी ऑफिसेज हैं, वहाँ पर मैक्सिमम जो काम है वो अभी तक मैनुअली होता था। अभी धीरे धीरे वो सभी को डिजिटल किया जा रहा है, ठीक है? तो वो डिजिटल प्रोसेस में जो हमारी पुरानी जो डॉक्यूमेंट्स थी, उन सभी पे तो आपको सारा काम मैनुअली मिलेगा, ठीक है? तो जो काम मैनुअल हुआ था उसको डिजिटल करने का प्रोसेस में गवर्नमेंट लगी है, ठीक है? तो वो काम पूरा करने के लिए उनको तो बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। तो अब वो क्या करे, गवर्नमेंट ने इसीलिए ये प्लान निकाला है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स है उन पे जो भी डाटा है उसको देख के आपको फिलअप करना है, और वो गवर्नमेंट में को देना है, गवर्नमेंट को देना है आपको। तो वो जब आप गवर्नमेंट को दोगे तो गवर्नमेंट उसके बदले आप कुछ पॉइंट्स देंगी, जिसको आप रिडीम करके पैसे कमा सकते हो, ठीक है? तो जैसे आप मान लो एक कोई भी एक डॉक्यूमेंट है, उस पे आपको कुछ एक लिखा हुआ है, आपको इमेज देख के वो कैरेक्टर को टाइप करके सबमिट करना। आप जैसे सबमिट करते हो, वो गवर्नमेंट की जो सर्वर है उस पे जाके सेव हो जाएगी और वो डॉक्यूमेंट रेडी हो जाती है, ठीक है? तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आप यहाँ पर रजिस्टर नाउ पे क्लिक करें, ठीक है? जैसे आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करोगे, आपको सारी ऑप्शंस मिल जाएंगे कि आपको इसके बाद क्या करना है। चलिए रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर लेते हैं हम लोग। आप देख सकते हो यहाँ पर रजिस्टर नाउ है, इस पर आप क्लिक कर लें, ठीक है? चलिए हम लोग क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपको यहाँ नाम मांगेगा, पूरा नाम आपको फिलअप करना है। यहाँ पर आप देख लो, आपसे ये नाम मांग रहा है। फिर उसके बाद आपको ये जेंडर आपसे पूछेगा, डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, आधार नंबर। दोस्तों, ये आपसे आधार नंबर मांगता है, और जैसे कि आपको पता है आधार नंबर अभी सारी चीज़ों में बहुत ज़रूरी होती है। सबसे पहले आप ये डाटा को फिलअप करें, डाटा फिलअप करने के बाद आधार नंबर दें, आधार नंबर को यहाँ वैलिडेट आधार पे क्लिक करें। आपको जो दिख रही है वैलिडेट आधार, इस पर आप क्लिक कर लें, ठीक है? उसके बाद ये वैलिडेट हो जाएगा। उसके बाद आपको कोई एक यूज़र नेम चूज़ करना है, उसका पासवर्ड चूज़ करना है, ठीक है? और मैं बता देना चाहता हूँ, आप जो पासवर्ड चूज़ करेंगे उसमें एक कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, एक न्यूमेरिकल और एक स्पेशल कैरेक्टर होना ज़रूरी है, ठीक है? उसके बाद अपना आप ईमेल आईडी दें, मोबाइल नंबर दें। उसके बाद आप ये छोटा सा जो आपको बॉक्स दिख रहा है, इस बॉक्स पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, आपके पास एक ओटीपी आएगा, इस जगह पे एक ओटीपी आएगा, और उस ओटीपी को आपको डालना है। फिर आपको इस जगह पे क्लिक करना है, और फिर आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करोगे, आपके पास नया पेज खुल जाएगा कि प्लीज़ लॉग इन, मैंने ऑलरेडी साइन अप किया है, तो मैं इसके बाद का प्रोसेस आपको दिखाता हूँ। आप पहले साइन अप कर लो, इस पे रजिस्टर कर लो, ठीक है? चलिए इसके बाद जो ऑप्शन आता है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। दोस्तों, जैसे ही आप इस पे लॉग इन हो जाओगे, लॉग इन कर लोगे, तो आपके सामने डैशबोर्ड खुल जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर आपको सारा चीज़ दिखाई देंगे, क्या है क्या नहीं, ठीक है?
तो आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे, जैसे कि माय अकाउंट में आप जैसे ही हम कर्सर को ले जाओगे वहाँ पर अकाउंट सेटिंग, लैंग्वेज मैपिंग वगैरह वगैरह होगा। तो अकाउंट सेटिंग पे जाएं, वहाँ सारा चीज़ एक बार कंफर्म कर लें, उसके बाद आप प्रोफाइल पर क्लिक करें और उसके बाद सारा जो डेटा है उसे आप फुलफिल कर दें, ठीक है, सारा फिलअप आप कर दें। उसके बाद जब आपका सारा डाटा जब कम्प्लीटली फिलअप हो जाता है तो आप यहाँ वर्क स्पेस आपको दिखाई दे रहा होगा, आप वर्क स्पेस पे क्लिक करें, ठीक है। जैसे आप वर्क स्पेस पे क्लिक करोगे तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वर्क स्पेस ये है जहाँ आपको पूरा पूरी काम करना है, ठीक है, सारा काम आपको यहीं करना है। तो आप यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा, जैसे आप लैंग्वेज सेलेक्ट करते हो तो लोड वर्क स्पेस पे आप क्लिक करें, ठीक है दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसका जो काम है कि जैसे कि आपको मैंने बताया था इसका जो काम है वो क्या है कि आपको कोई भी इमेज देख के आपको उस पर वो डाटा को फिलअप करना है, ठीक है। तो वो डाटा जैसे हमारे सामने एक इमेज आया यहाँ पर आप देख सकते हो, तो इस इमेज में लिखा हुआ यस, तो यस को हमें इस बॉक्स पे क्लिक करके डाटा को फिलअप कर देना है इस बॉक्स पे, उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। अगर ये पढ़ने लायक नहीं है, पढ़ा नहीं जा रहा है, तो नॉट रीडेबल पे हम क्लिक करेंगे। अगर इस पे कुछ भी नहीं है तो ब्लैंक इमेज पे हम क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ देख पा रहे हैं यस है, तो हम यस पे यस डाल देंगे, जैसे हम यस डाले उसके बाद सबमिट कर देंगे। जैसे हमारे पास ये ब्लैंक इमेज है तो हम यहाँ ब्लैंक इमेज डालेंगे। फिर यहाँ देखिए एक हमारे पास आ गया वर्ड, इस तरह से हम डालते रहेंगे। फिर आपके पास एक नया भी चीज़ आएगा कि चेक मार्क, कि बॉक्स पे टिक अगर मरा हुआ है तो आप उस पे यस पे करके सबमिट कर दो, और अगर वो चेक नहीं किया हुआ है, टिक नहीं मरा हुआ है, तो उस पे आप नो पे क्लिक करके सबमिट कर दो। इस तरह से आप अपना काम करो, ठीक है। और जैसे ही आप जितना काम करोगे उसके बदले आपको पॉइंट्स मिलेंगे, और पॉइंट्स जैसे ही मिलेंगे तो वो रिडीम करने लायक हो जाएगा, तो उसे आप रिडीम करके थोड़े बहुत पैसे कमा सकते हो। आप बहुत ज़्यादा काम करोगे तो उम्मीद है दोस्तों बहुत ज़्यादा पैसे कमाओगे, ठीक है। ये आप अपने लैपटॉप से कर सकते हो, ये अपने स्मार्टफोन से भी कर सकते हो, एंड्रॉयड में इसका ऐप्स है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो इस ऐप्स को। जस्ट नॉर्मली सब सर्च करो डिजिटाइज इंडिया प्लेटफॉर्म, आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन। अगर आपको नहीं मिलता है तो हमें बताएं, हम उसका लिंक आपको दे देंगे, आप वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से आप पैसे कमा सकते हो घर बैठे। भारत सरकार ने बहुत ही अच्छी प्लेटफॉर्म निकाली है पैसे कमाने के लिए, इसमें उनको बहुत फ़ायदा है और आपको भी फ़ायदा होने वाला है। उनका जो काम है वो आप अगर कर दोगे तो ऑब्वियसली आपको तो पैसा मिलना ही मिलना है। दोस्तों इस तरह से आप पैसे कमाओ, और ये मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छी है, और आप पैसे कमा सकते हो इसके थ्रू। मैंने ट्राई किया है, देखता हूँ मुझे कितना पैसा मैं कमा सकता हूँ, और उसके बाद मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि मैंने इस पे कितना कमाया, कितना पॉइंट्स पे कितना पैसा मिला। मैं इसका वीडियो अलग से आपको बना के दूंगा ज़रूर, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि दोस्तों आप हमें प्लीज़ सपोर्ट करें, अगर आपका सपोर्ट हमें नहीं मिलेगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम नए नए वीडियो लाना चाहते हैं, तो नए वीडियो के लाने के लिए आपको सपोर्ट चाहिए, सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो अभी तक डिजिटल गुरु जी को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें दोस्तों। सो दोस्तों थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड जय हिंद जय भारत।